नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, संविदा कार्मिकों ने आज अखिल अरोड़ा जी को ज्ञापन सौंप कर स्क्रीनिंग के मार्फत नियमितीकरण की मांग यहां पर की है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज यहां पर अखिल राजस्थान कनिष्ठ शिक्षक, सहायक शिक्षक और शिक्षा अनुदेशक संयुक्त संघर्ष समिति ने यहाँ पर अखिल जी अरोड़ा को 6 मई 2024 को ज्ञापन सौंपा। स्टेट स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा स्क्रीनिंग कर नियुक्ति पत्र प्रदान करने का निवेदन यहाँ पर किया, जिसको अखिल अरोड़ा जी ने जो पत्र है वो आगे फाइनेंस बजट को यहाँ पर फॉरवर्ड किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा है कि माननीय राज्यपाल महोदय के अनुमोदन उपरांत संविदा में लगे अडॉप्टेड कनिष्ठ शिक्षक, सहायक शिक्षक, पाठशाला सहायक, शिक्षा सहायक और शिक्षा अनुदेशक के पद पर स्वीकृत कर प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी है। इसके उपरांत विभागों द्वारा प्री स्क्रीनिंग भी करवा दी गई है। संविदा सेवा नियम के अधीन प्री स्क्रीनिंग के पश्चात प्रदेश स्तरीय समिति के द्वारा की गई स्क्रीनिंग का अनुमोदन या स्क्रीनिंग की जानी थी, जो आदर्श आचार संहिता के कारण पूर्ण नहीं हो पाई। विभागों द्वारा अभी तक स्क्रीनिंग कर नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए हैं। अतः निवेदन है कि कृपया किया है कि प्री स्क्रीनिंग का अनुमोदन और स्क्रीनिंग कर तत्काल संविदा सेवा से नियमित सेवा में नियुक्ति के आदेश जारी कराएं। आप देख सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष, सचिव और प्रदेश महामंत्री ने आज अखिल अरोड़ा साहब से, जो वित्त सचिव हैं, उनसे मिलकर यहां पर वार्ता की है और अखिल अरोड़ा साहब ने फाइनेंस बजट को इनका जो पत्र है वो फॉरवर्ड कर दिया है। साथ ही आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है प्री स्क्रीनिंग के माध्यम से अनुमोदन उपरांत संविदा सेवा से नियमित सेवा में कन्वर्ट करने की मांग यहाँ पर की है। साथ ही जो विभिन्न पदों की जो वित्त जो प्रशासनिक स्वीकृति जारी की थी विभागों ने, उनका भी अटैचमेंट यहाँ पर इनको इन्होंने लगाया। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने 5 अक्टूबर 2023 द्वारा कनिष्ठ शिक्षक के L10 के 3310 पद और पाठशाला सहायक के L5 के 870 पद, कुल जो 4180 पदों की जो स्वीकृति जारी की थी उसका अटैचमेंट यहाँ पर लगाया है। इसी प्रकार से प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा 5 अक्टूबर 2023 द्वारा शिक्षा सहायक L5 के 900 पद और सहायक शिक्षक के L10 के 5100 पद, कुल 6000 पदों की जो वित्तीय स्वीकृति, जो प्रशासनिक स्वीकृति जारी की थी उसका भी अटैचमेंट यहां पर लगाया है। साथ ही साथ अखिल अरोड़ा साहब से एक जो वित्त सचिव हैं उनको एक मांग पत्र भी इन्होंने सौंपा है, जिसमें प्रवीक्षा काल न रखकर सीधा ही स्थायी कर एक सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए सारे लाभ शुरू किए जाएं। यदि प्रवीक्षा काल का रखना अनिवार्य है तो अडॉप्ट की तिथि 2023 को मानते हुए प्रवीक्षा काल माना जाए। साथ ही IAS पैटर्न के तहत 3 साल की सेवा को 1 साल मानते हुए, यथार्थ 9 साल निकालकर पीछे की एक सेवा 1 वर्ष को 1 वर्ष मानते हुए इंक्रीमेंट भी जोड़ा जाए। साथ ही इन्होंने कहा कि आने वाले 2 वर्ष के अंतर्गत 800-900 शिक्षा कर्मी एवं पैरा टीचर रिटायरमेंट हो जाने के कारण इन कार्मिकों को ग्रेजुएटी का भी लाभ दिया जाए। साथ ही इन्होंने चौथी जो मांग की है कि वरिष्ठ शिक्षा कर्मियों के लिए सर्विस बुक नियुक्ति तिथि से यथावत रखी जाए, पूर्व की संरक्षित PL का नगद भुगतान दिया जाए, पूर्व के मेडिकल को भी संरक्षित किया जाए। साथ ही इन्होंने कहा कि पूर्व की सेवा को नियुक्ति तिथि से मानते हुए 9/18/27 का लाभ दिया जाए। 8वीं-10वीं उत्तीर्ण BPED CPED संविदा कार्मिकों का भी पूर्व अनुभव जोड़ते हुए परिलाभ दिया जाए। आप देख सकते हैं, सचिव, प्रदेश महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के हस्ताक्षर से मांग पत्र वित्त सचिव अखिल अरोड़ा साहब को सौंपा है। साथ ही साथ एक अन्य जो है पत्र यहां पर आज राजस्थान अखिल कनिष्ठ शिक्षक, सहायक शिक्षक, शिक्षा अनुदेशक और संयुक्त संघर्ष समिति ने एक अखिल अरोड़ा साहब को ज्ञापन सौंपते हुए स्टेट स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा स्क्रीनिंग का नियुक्ति पत्र प्रदान करने का निवेदन यहाँ पर किया है। संदर्भ यहाँ पर दिया है संविदा सेवा नियम 2022। तो आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा है कि माननीय राज्यपाल महोदय के अनुमोदन उपरांत संविदा में अडॉप्टेड या लगे कनिष्ठ शिक्षक, सहायक शिक्षक, पाठशाला सहायक, शिक्षा सहायक, शिक्षक, शिक्षा अनुदेशक के पद पर स्वीकृत कर प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की गई थी। इसके उपरांत विभागों द्वारा प्री स्क्रीनिंग भी करवा दी गई है। संविदा सेवा नियमों के अधीन प्री स्क्रीनिंग के पश्चात प्रदेश स्तरीय कमेटी द्वारा स्क्रीनिंग का अनुमोदन और स्क्रीनिंग की जानी थी, जो आदर्श आचार संहिता के कारण नहीं हो पाई और विभागों द्वारा अभी तक स्क्रीनिंग का नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए।
अतः इन्होंने निवेदन किया है कि प्री स्क्रीनिंग का अनुमोदन और स्क्रीनिंग कर तत्काल नियुक्ति संविदा सेवा से नियमित सेवा में करने का श्रम कराएं। साथ ही साथ इन्होंने जो वित्तीय और जो प्रशासनिक स्वीकृति निकाली गई थी पदों की, एक यानी कि कनिष्ठ शिक्षक के L10 के 3310 और पाठशाला सहायक L5 के 870 पद, वो भी अटैच यहाँ पर किया है। इसी प्रकार से प्रारंभिक शिक्षा ने 5 अक्टूबर 2023 को शिक्षा सहायक के L5 के 900 पद और सहायक शिक्षक के L10 के 5100 पद, टोटल 6000 पदों की जो स्वीकृति जारी की थी उसका भी अटैचमेंट यहाँ पर लगाया गया है। साथ ही साथ अखिल राजस्थान कनिष्ठ शिक्षक सहायक शिक्षक शिक्षा अनुदेशक संयुक्त संघर्ष समिति ने अखिल अरोड़ा साहब जो वित्त सचिव हैं उनको यहाँ पर करीब करीब 6 मांगों का एक मांग पत्र सौंप कर प्री स्क्रीनिंग का अनुमोदन कर संविदा सेवा से नियमित सेवा में कन्वर्ट करने का ज्ञापन यहाँ पर सौंपा है। साथ ही परीक्षा काल नहीं रखने की मांग की है। साथ ही इन्होंने कहा कि यदि परीक्षा काल रखना अनिवार्य है तो अडॉप्ट की तिथि 2023 मानी जाए। IAS पैटर्न के स्थान जो की जो सेवा है IAS पैटर्न के अनुसार 3 साल इक्वल टू 1 साल को पीछे को 1 साल इक्वल टू 1 साल माना जाए। साथ ही आने वाले 2 वर्ष में करीब 800-900 शिक्षा कर्मी और पैरा टीचर रिटायर हो जाएंगे, अतः इन कार्मिकों को ग्रेजुएटी का लाभ देने का भी निवेदन यहाँ पर किया है। साथ ही वरिष्ठ शिक्षा कर्मियों के लिए सर्विस बुक नियुक्ति तिथि से यथावत रखने की मांग की है। पूर्व की सुरक्षित PL का नगद भुगतान देने की भी मांग की है। साथ ही पूर्व का जो मेडिकल अवकाश है उसको भी सुरक्षित रखने की मांग यहाँ पर की है। साथ ही साथ पूर्व की सेवा को नियुक्ति तिथि से मानते हुए 9/18 और 27 का लाभ देने की मांग की है। साथ ही 8वीं 10वीं उत्तीर्ण BPED CPED संविदा कार्मिकों का पूर्व अनुभव जोड़ते हुए परिलाभ देने की यहां पर मांग की है। तो आप देख सकते हैं अखिल अरोड़ा साहब को ज्ञापन सौंपते हुए जो वित्त सचिव हैं उनको ज्ञापन सौंपा है और प्री स्क्रीनिंग का अनुमोदन और स्क्रीनिंग जो स्टेट कमेटी है, जो राज्य स्तरीय कमेटी है उसके माध्यम से करते हुए संविदा सेवा से नियमित सेवा में नियुक्ति देने की मांग यहाँ पर की है। साथ ही शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा जो अलग अलग जो स्वीकृतियाँ जारी की गई थी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति, जिसमें आप देख सकते हैं मैं एक बार फिर से बता देता हूँ जो स्वीकृतियाँ जारी की गई थी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति उसका भी हवाला यहाँ पर दिया गया है। एक बार फिर से आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा 5 अक्टूबर 2023 को निदेशक प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को पत्र लिखकर संविदा पदों के स्थान पर नियमित पदों का सृजन यहाँ पर किया गया, जिसमें कनिष्ठ शिक्षक L10 के 3310 पद, पाठशाला सहायक L5 के 870 पद, कुल 4180 पदों की स्वीकृति जो मुकेश शर्मा जो शासन उप सचिव हैं उनके डिजिटली साइनों से दी गई थी। इसी प्रकार से प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा 5 अक्टूबर 2023 को निदेशक प्रारंभिक शिक्षा को एक पत्र लिखा, जिसमें शिक्षा सहायक L5 के 900 पद और सहायक शिक्षक L10 के करीब 5100 पद, कुल 6000 पदों की जो प्रशासनिक और जो वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी उसका भी अटैचमेंट यहां पर लगाया गया है। तो आप देख सकते हैं वित्त सचिव अखिल अरोड़ा साहब को ज्ञापन सौंपते हुए स्टेट स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा स्क्रीनिंग कर नियुक्ति प्रदान करने का निवेदन यहां पर आज अखिल कनिष्ठ शिक्षक सहायक जो आप देख सकते हैं अखिल राजस्थान कनिष्ठ शिक्षक सहायक शिक्षक शिक्षा अनुदेशक संयुक्त संघर्ष समिति ने के जो पदाधिकारी है, सचिव हो चाहे वो प्रदेश महामंत्री हो प्रदेश अध्यक्ष हो, इन्होंने आज अखिल अरोड़ा साहब वित्त सचिव से मिलकर मुख्य मुद्दा यहाँ पर रखा है। साथ ही नियमित करने की मांग पुरजोर तरीके से उठाई है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।